आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नेहा किचन में और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। और मेरी आज की रेसिपी है इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ट्राई कलर पुलाव। तिरंगे में मौजूद केसरिया रंग को साहस और बलिदान का प्रतीक माना जाता है, वहीं सफेद रंग सच्चाई और शांति की निशानी है। तिरंगे के तीसरे यानी हरे रंग को संपन्नता का प्रतीक माना जाता है और ये रंग मिलकर देश के गौरव को बढ़ाते हैं। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले आप ले लें 2 कटोरी बासमती चावल, या जो भी चावल आप घर पर बनाते हैं आप वो चावल भी ले सकते हैं, और इसे 2 बार अच्छा पानी से धो लें। और चावल बहुत अच्छा खिला खिला बने उसके लिए आप उसमें 2 ग्लास पानी डाल दें और 20 से 30 मिनट के लिए आप इसे भीगने के लिए छोड़ दें। तो चावल में हरे रंग के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे पालक। तो पालक को पहले हम उबालेंगे, उसके लिए आप एक बड़े बर्तन में पानी ले लें और उसमें उबाल आने दें। और जैसे ही पानी में उबाल आ जाए आप उसमें पहले से धुले और कटे हुए 250 ग्राम पालक डाल दें। और मेरे आने वाली हर रेसिपी आपको सारे टिप्स और सीक्रेट के साथ मिले और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो गर्म पानी में आप सारे पत्ते अच्छे से डुबा लें और उसके बाद उसे सिर्फ 5 मिनट तक पकाएं और उसके बाद उसे इमिडिएटली आप छान लें। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको पालक को बहुत देर तक नहीं पकाना है। छानने के बाद आप इसे इमिडिएटली ठंडे पानी में डाल दें ताकि इसका जो कुकिंग है ये स्टॉप हो जाए। तो ऐसा करने से पालक का नेचुरल हरा रंग जो है वो बरकरार रहेगा। इसके बाद आप एक मिक्सर जार ले लें और उसमें डाल दें 1 से 2 हरी मिर्च, और पालक को पानी से अलग करने के बाद आप उसमें पालक डाल दें और इसका एक स्मूथ फाइन पेस्ट बना लें। और ये देखिए आपको कुछ इस तरीके से इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाना है। तो चलिए चावल भीग कर रेडी हो चुके हैं। तो चावल पकाने के लिए आप ले लें एक पैन और उसमें डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच देसी घी के। जब बात भारत की हो रही है तो देसी घी तो आना ही चाहिए। तो जैसे ही घी गर्म हो जाए आप उसमें डाल दीजिए 1/2 चम्मच जीरा। मैंने यहाँ पर शाह जीरा यूज़ किया है, तो अगर आपके पास शाह जीरा हो तो आप वो डालें। गैस का फ्लेम आप लो टू मीडियम ही रखिएगा ताकि जो घी है वो जले ना। और जैसे ही जीरा चटकने लगे आप उसमें डाल दीजिए 2 से 3 तेज पत्ते, 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग और 5 से 6 काली मिर्च। तो इन सारे खड़े मसाले से चावल में फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो चावल आप छान कर इसमें डाल लें। तो चावल डालने के बाद आप इसे हल्के हाथों से ही मिक्स करिएगा, नहीं तो ये जो चावल है वो टूटने लग जाएंगे। और अब इसमें डालना है 3 कप पानी। तो उबले हुए पालक का जो पानी है वो मैंने इसमें 1 कप यूज़ किया है और फिर 2 कप पानी मैंने इसमें नॉर्मल डाला है। और अब बारी आती है चावल में नमक डालने की, तो आप अपने स्वाद के अनुसार उसमें नमक डालें। तो चावल आप चाहे फ्राइड राइस के लिए बना रहे हों या बिरयानी के लिए बना रहे हों, चावल में हमेशा पकते वक्त ही नमक जाता है। तो इसे अब आप मीडियम फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दें। और बस 20 से 25 मिनट में ही ये देखिए एक इतना अच्छा फ्लेवर स्टीम राइस बनकर रेडी हो चुका है। और अब बारी आती है चावल को तिरंगे का 3 रंग देने की। तो पालक का पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है, तो कढ़ाई को रखें आप लो फ्लेम में और उसमें डालें 2 चम्मच घी। तो घी जब थोड़ा गर्म हो जाए आप उसमें डाल दीजिए 1 चम्मच जिंजर पेस्ट, मतलब अदरक का पेस्ट। और अदरक को हमें थोड़ी देर के लिए बस भूनना है। और उसके बाद आप उसमें डाल दीजिए 1/4 कप हरे मटर। तो यहाँ मैंने फ्रोजन मटर यूज़ किए हैं, ये ऑप्शनल है, पर इसे डालने से पुलाव में इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और मटर को 2 से 3 मिनट पकाने के बाद आप उसमें डाल दीजिए पहले से रेडी किया हुआ पालक का पेस्ट। तो मैंने रेसिपी में कोई भी आर्टिफिशियल कलर का यूज़ नहीं किया है, ये सारे नेचुरल कलर हैं। और पालक को पकाते वक्त आप उसमें डाल दीजिए नमक। तो याद रखिएगा कि जो चावल है उसमें भी हमने पहले नमक डाला हुआ है। और बस पालक को आप यहाँ पर 5 मिनट के लिए पका लें। ये देखिए पालक जो है वो अच्छे से पक चुकी है। और इसमें फिर आप डाल दीजिए चावल। तो चावल को मैंने 3 पोर्शन में अलग अलग डिवाइड कर लिया है। तो 1 पोर्शन मैं इसमें डाल रही हूँ पालक में, आप चाहे तो इससे तेजपत्ता निकाल सकते हैं। और आपको बहुत ही हल्के हाथों से इसे पालक के साथ मिक्स करना है ताकि जो चावल है वो टूटे ना।
और ये देखिए तो जो हमारा तिरंगे का जो पहला लेयर है ये बनकर रेडी हो चुका है। चलिए करते हैं इसके दूसरे लेयर की तैयारी। तो कढ़ाई को आप फिर से रखिए लो फ्लेम में और उसमें डाल दीजिए 1 चम्मच घी के, और घी जब थोड़ा सा गर्म हो आप उसमें डाल दीजिए अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पूरे रेसिपी में मैंने 2 चम्मच अदरक का पेस्ट यूज़ किया है। तो अदरक को पकाने के बाद आप उसमें डाल दीजिए बिल्कुल फाइन ग्रेटेड गाजर। तो मैंने बहुत ही बारीक किसा हुआ गाजर यहाँ पर यूज़ किया है। तो आपको इसे घी के साथ अच्छे से पकाना है ताकि जो इसका पानी है वो सूख जाए, और 5 मिनट पकाने के बाद ही पानी सूख जाएगा। और उसके बाद आप उसमें डाल दीजिए 2 मीडियम आकार के टमाटर पीस के। तो गैस का फ्लेम आप मीडियम कर सकते हैं। उसके बाद आप उसमें डाल दीजिए 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। तो यहाँ मैंने टमाटर गाजर में इसलिए डाला है ताकि जो गाजर का मीठापन है वो पुलाव में ना आए। और अब इसे आपको तब तक पकाना है जब तक टमाटर का पूरा पानी ना सूख जाए और वो थोड़ा घी ना छोड़ने लग जाए। उसके बाद आप उसमें डाल दीजिए 1 चम्मच सेजवान चटनी, आप चाहे तो इसमें टमाटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं। तो चावल का दूसरा पोर्शन आप इसमें डाल लें और इसके साथ इसे अच्छे हल्के हाथों से मिक्स कर लें। तो तिरंगे की 2 लेयर की तैयारी तो हो चुकी है और अब बारी आती है उसके आखिरी और तीसरे लेयर जो है सफेद रंग की। तो आप चाहे यहाँ पर व्हाइट राइस यूज कर सकते हैं, पर मैंने इसमें थोड़ा सा फ्लेवर डाला है। तो कढ़ाई को रखें आप लो फ्लेम में, उसमें डालें 1 चम्मच घी और उसमें आप डाल दें 100 ग्राम किसा हुआ पनीर। तो इस ट्राई कलर पुलाव में आपको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन भी मिलेगा। इसमें आप मटर है, पालक है, पनीर है, इसमें गाजर भी है। तो यहाँ पनीर को आप पका लें 2 मिनट, इसे आप ब्राउन ना होने दें। इसमें थोड़ा सा आप नमक डालें। तो पनीर को आपको पकाना है यहाँ 2 से 3 मिनट के लिए ही, और आप लगातार इसे चलाते रहें ताकि ये कढ़ाई में से नीचे चिपके नहीं। इसे आपको ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसके बाद चावल का जो आखिरी पोर्शन है वो आप इसमें मिक्स कर लें और इसे हल्के हाथों से आप अच्छे से इसमें मिक्स करें। तो तिरंगे का तीसरा लेयर भी बनकर रेडी हो चुका है सारे फ्लेवर्स और कलर के साथ, और अब बारी आती है इसके प्लेटिंग करने की। तो इस 15 अगस्त आप ये पुलाव एक बार बनाकर जरूर देखिएगा, और घर में अगर बच्चे हों तो आप उन्हें जरूर बताइएगा कि तिरंगे के ये जो 3 रंग हैं वो साहस, सच्चाई और संपन्नता का प्रतीक है, और जो बीच में अशोक चक्र है वो हमारे देश की वीरता को बताता है। तो पुलाव को और टेस्टी बनाने के लिए आप उसमें डाल सकते हैं कुछ फ्राइड ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ पर घी गरम करके उसमें थोड़े से बादाम, किशमिश और काजू को हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो अगर आपको ये जो पुलाव है ये लेयर में सर्व करना है तो आप कुछ भी इस तरीके का कंटेनर ले लें। मैंने यहाँ पर एक टिफिन यूज किया है, उसमें आप पहले डाल दें ऑरेंज वाला राइस और उसके बाद आप डाल दें व्हाइट। तो ऑरेंज का जो लेयर है वो आप पहले डालिएगा और उसके बाद वाइट डालिएगा, और उसके बाद आप उसमें डाल दीजिएगा ग्रीन राइस। तो आप घर में बच्चों को कुछ इस तरीके से सर्व करिएगा। मेरे बच्चे को ये बहुत ही पसंद आया। तो इसे आप हल्के हाथों से प्रेस करिएगा और फिर जो भी सर्विंग प्लेट है आप उसमें रखिए और कुछ इस तरीके से आप इसे उसमें उल्टा डाल दें और फिर हल्के हाथों से आप जो भी कंटेनर है आप उसे ऊपर उठाएं। और ये देखिए कितना अच्छा तिरंगा राइस जो है ट्राई कलर पुलाव हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो ये गर्मा गर्म पुलाव आप ट्राई कलर रायता और सैलेड के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया, ये मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और जल्दी ही मिलते हैं एक और भी अच्छी रेसिपी के साथ।